अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सलून लुक सलून। लुक सलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र की रहने वाली श्रेया सिंह ने डीएसपी प्रकाश कुमार पर जहां गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं मामले को लेकर डीएसपी प्रकाश कुमार ने कहा कि सरासर सारा आरोप निराधार है। हां, एक लड़की आई थी मुझसे मिलने और यहां पर काफी चिल्ला रही थी, तो मैंने गार्ड से कहा क्या बात है पूछो। उसके बाद गार्ड ने उसे मिलवा देने की बात का बैठने को कहा, पर वह बैठने के बजाय और चिल्लाना शुरू कर दी। उसके बाद मेरे कार्यालय में आकर भी चिल्लाने लगी, फिर कुछ देर के बाद चली गई और मैं अपना काम खत्म कर जब बाहर निकला तो गार्ड से पूछा तो उसने कहा कि वो चली गई। फिर मैं पीछे से अपनी गाड़ी से निकला, जिला परिषद कार्यालय के पास उसे देखा और वहां पर उसकी बातों को समझने की कोशिश की और उसका वह गलत मतलब निकाल कर मेरे खिलाफ उल्टा बयान दे दिया है। मामले में मैंने भी जोगसर थाने में श्रेया सिंह के खिलाफ आवेदन दिया है। वहीं श्रेया सिंह का कहना है कि मैं अपनी फरियाद लेकर गई थी लेकिन मेरी फरियाद कुछ नहीं सुनी गई और मुझे वहां से डांट डपट कर धक्का देकर भगाया गया। वहां कोई महिला सिपाही भी नहीं थी, पुरुष सिपाही ने मुझे धक्का देकर अभद्र शब्द बोलकर भगाया है। अगर हम लोगों की बातें अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम लोग कहां जाएंगे। हां, मैंने अधिकारी के साथ ऊंची आवाज में बात की है लेकिन मैंने कोई भी बात गलत नहीं कही है। उस पर अधिकारी ने मुझे ही दंडित करने के लिए फरमान जारी कर दिया, यह कहीं से सही नहीं है। वहीं श्रेया सिंह के भाई ने भी कहा कि हम लोगों को न्याय चाहिए। साथ ही उसने गलत तरीके से चल रहे हॉस्पिटल के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उस पर कार्रवाई की मांग भी की। और उसके बाद लोकल हॉस्पिटल, उसके बाद हम लोग पहले तो भैया का पहले तो सीरियस हो गया, इतना होने के बाद डीएसपी क्या कहे आज डीएसपी सर के पास गए। डीएसपी सर तो पहले अंदर वो जाने प्रकाश नारायण, उन्होंने पूरी बदतमीजी की, वो खुद बाहर चिल्ला रहे थे। जब उन्होंने बाहर अपने अधिकारी को जाके अंदर बोले, अधिकारी उठे अपने चेयर से मेरे साथ पूरी कई दिन से दौड़ रही हो थाना थाना तो परसों से 3 दिन से थाना दौड़ रहे हैं और कोई कार्रवाई हॉस्पिटल के ऊपर हो नहीं रहा है। और बात ये है कि मेरे पास शिकायत लेके आई थी, इसका कुछ मेरे पास जिक्र नहीं है। शिकायत वो सबौर लेके गई थी, आज भी आए थे सबौर में। इसका था कि मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगा रहा है। ग्लोकल हॉस्पिटल में इन्होंने कुछ इलाज करवाया है अपना, तो इलाज इनका 100% सक्सेसफुल नहीं रहा है। फिर ये इनका कहना है कि दूसरे हॉस्पिटल में जाके हम इलाज कराया तो मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो आप हॉस्पिटल के अगेंस्ट में आप FIR कीजिए, कार्रवाई कीजिए। और इसने आरोप लगाया है, वहाँ स्टाफ को भी धमकी दिया है तरह तरह का, और आरोप लगाया है कि इनसे 2 लाख समथिंग का बिल बनाया है और 29,000 का इससे कैश भी लिया है। ये हॉस्पिटल पर आरोप लगाया है, लेकिन जब कैश का अभी रिसीट मांगा गया था तो कैश का रिसीट उनके पास है नहीं, बोलता रिसीट वगैरह नहीं दिया है। जबकि वहाँ पर जांच करने गया था तो वो बताया है कि ये कैशलेस किया गया है, ऐसा इसे पैसा लिया ही नहीं गया है। तो फिर इसमें ये आवेदन दिया गया है, वरीय अधिकारी को भी आवेदन मिला है, इसमें फिर जो होगा हम लोग करेंगे। SSP से भाई मेरी सिस्टर लापता हो गई है, DSP के दबाव में आके उसके जो पेपर ऊपर में आया है कि उसके ऊपर FIR वगैरह शिकायत वगैरह दर्ज हुआ है। उसके बाद SSP सर ने आश्वासन दिया है कि DSP के ऊपर भी जो भी इंटरनल इंक्वायरी होगा वो होगा, और साथ में ग्लोकल हॉस्पिटल के अगेंस्ट जो मेडिकल टीम गठित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ में अभी वो नंबर लेके गए हैं, सिस्टर को ढूंढ रहे हैं। बस सिस्टर गायब हो गई, सिस्टर DSP के दबाव में जो कल घटनाएं हुई है उसके साथ बदतमीजी जाती हो गई है। कौन की है? ये DSP प्रणब प्रकाश कुमार किए थे, और उसके बाद से सुबह से वो लापता है और उसका फ़ोन कभी कभी आता है। वो उसके बाद उसका एक ऑडियो आया है जिसमें वो अब सुसाइड करने की धमकी बोल रही है कि हम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर है।
उसके बाद से अभी हम सर से मिलने आए, इमरजेंसी में मेरे हाथ में अभी भी लगा हुआ है पिन वगैरह, मैं बैठ तक नहीं सक रहा हूँ, फिर भी सिस्टर को ढूंढने के लिए अभी तक यहाँ आया हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको ढूंढ लिया जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगेवी नाथ धाम से प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में कांवरिया जल भरकर सुल्तानगंज से बाबा धाम जाते हैं। इसकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष पहल कर रखी है। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ अन्य पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, लेकिन कांवरियों की सुरक्षा के लिए शेरनी दल की गश्ती भी लगातार देखी जा रही है, जहां शेरनी दल की महिला जवान सिपाही लगातार गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ पर लगातार गश्ती करते दिख रही हैं, ताकि कांवरियों को किसी तरह की परेशानी न हो। कांवरियों की भीड़ को देखते हुए वरीय पदाधिकारी महोदय द्वारा और डीएम साहब के द्वारा संयुक्त आदेश में आदेश दिया गया है कि जहां भी महिला की संख्या ज्यादा है, कांवरिया महिला की, उनको जितना बन सके हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे। उन लोग को किसी ढंग का कठिनाई नहीं हो, उनके साथ जो भी सामान है उसकी सुरक्षा, मतलब महिलाओं से संबंधित जितनी सुरक्षा है उसकी जिम्मेवारी सिरनी तक को मिला कि जहाँ जहाँ पर महिलाओं के जैसे स्टेशन हुआ, किशनगढ़ हुआ, घाट हुआ, जहाँ पर मतलब लगता है कि महिला की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। देवघर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कांवरियों का जत्था पहुंचने लगा है, लिहाजा कांवरिया पथ पर अस्थायी दुकानें भी सजने लगी हैं। बाबा के नगरिया में भी अजब गजब नजारे दिख रहे हैं। श्रावणी मेला में बाल श्रम अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मार्ग में बच्चे भी पूजा पाठ का सामान बेचकर कमाई कर रहे हैं। जिन बच्चों के हाथ में किताब और पेंसिल होना चाहिए, वो टॉर्च, मोबाइल कवर, कांवर सजाने वाला फूल और रुपया रखने वाला बैग बेचने में लगे हैं। प्रशासनिक अनदेखी से बच्चे भी मेला में कमाई करने में लगे हुए हैं। बच्चों का कहना है कि श्रावणी मेला में इतनी कमाई हो जाती है कि साल भर सोचना नहीं पड़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बदन पर भगवा लाल कपड़े, नंगे पैर और भोले की मस्ती के बीच कांवड़ यात्रा में आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन इस बार पवित्र धार्मिक यात्रा पर कुछ ऐसे श्रद्धालु भी निकले हैं जिन्होंने कंधे पर लदे बहंगी में अपनी मां को भी बिठा रखा है। खगड़िया जिला के परबत्ता गांव निवासी अपनी मां को देवघर लेकर जाने के लिए पुत्र रंजीत शाह ने बहंगी तैयार की है, जिसके बाद श्रवण कुमार की तरह उसमें माता को बैठा कर जलाभिषेक के लिए सुल्तानगंज से निकल पड़े हैं। इतना ही नहीं, इस काम में उनके परिजन संगीत शाह, मंजू देवी, गुड़िया देवी, भाई विनोद शाह, दीपक शाह भी उसका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रंजीत की मां काफी बीमार थी, दवा का असर नहीं हो रहा था। उन्होंने बाबा भोलेनाथ को पुकारा और उसकी पुकार सुन ली गई। मां ठीक हो गई। ठीक होने के पश्चात उन्होंने प्रण लिया कि मां को कांवर पर लेकर पैदल बाबा धाम जाएंगे और निकल पड़े। बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा भागलपुर के जिला स्कूल मैदान में 2 दिवसीय नियोजन सह व्यवसाय मार्गदर्शन रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले का विधिवत उद्घाटन सांसद अजय मंडल, बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणि हिमांशु ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। गौरतलब है कि इस रोजगार मेले से 4500 बेरोजगार युवा युवकों को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 36 कंपनियां अपने स्टॉल लगाकर छात्रों से बायोडाटा संग्रह कर उन्हें जल्द रोजगार देगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत में बेरोजगार युवकों को जागरूक करने हेतु सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में विवेकानंद कुमार, विश्वजीत कुमार, जिला कौशल प्रबंधक और कौशल विकास केंद्र के संचालक विजय चौधरी, निवास कुमार, शुभम शर्मा सहित कई पदाधिकारी
व कर्मी मौजूद थे। रोजगार मेले में अहले सुबह से ही युवा जिला स्कूल के प्रांगण में पहुंचना शुरू कर दिए थे। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम 6 जुलाई और 7 जुलाई को आयोजित किया गया है। नियोजन मेला का जो छात्रों को नियोज कंपनियों के द्वारा जो नियोजित किए गए हैं उनको अपना योजना नियोजन करेंगे और उनको अपना ज्वाइनिंग देंगे। नहीं होता कई, हाँ बिल्कुल, कई छात्रों का अब जिनका नियोजन होगा उन्हीं को ना लिया जाएगा, जिनका नियोजन नहीं होता तो नहीं लिया गया, कहीं ना कहीं त्रुटियां हो गई। अब तो जानते हैं कि जो किसी भी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर हो वो तो नियमावली के अनुसार ही करेंगे, उस नियमावली में नहीं आए होंगे तो नहीं हुआ होगा। क्या संदेश जाएगा इससे छात्र पूरे नौजवानों को ये संदेश जाएगा कि यहाँ नियोजन लगा करके बिहार सरकार ने जो छात्र छात्राओं के लिए बेरोजगारी की समस्या को दूर कर रहे हैं। देखिए बिहार सरकार लगातार चिंतित है बेरोजगार शिक्षित रोजगार नौजवानों के लिए, उसी कड़ी में आज श्रम संसाधन विभाग के द्वारा आज भागलपुर प्रमंडल में 36 कंपनियों के द्वारा लगभग 4500 छात्र छात्राओं को रोजगार दिया जाएगा। इन रोजगार से उनकी जीवनी चलेगी, उनकी जीवन शैली बदलेगी और उनके बाल बच्चे भी उससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए आज 36 जो कंपनी है वो अलग अलग स्टॉल लगा करके यहाँ पर सभी छात्र छात्राओं का आवेदन लिया जाएगा, उसमें जो उपयुक्त होगा उसको रोजगार लगभग 4000 रोजगार इन कंपनियों को देना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी ने लगातार बिहार के हर जिला में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे श्रम संसाधन विभाग हो, चाहे अन्य विभाग में लगातार वैकेंसियां निकाल करके लोगों को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है, जिससे कि समाज में हमारे बिहार में जिनकी बेरोजगार का जो एक बहुत बड़ा व्यापक हो गया है उनमें कुछ कमी आवे, इसके चिंतित हैं। और श्रम संसाधन विभाग से आज लगभग हमारे लगभग सैकड़ों छात्रों को जो कुछ कौशल युवा केंद्र से जो ट्रेनिंग करके निकले हैं, जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान लाए हैं उनको भी सम्मानित कर दिया, कौशल युवा केंद्र के संचालक उनको भी सम्मानित किया गया है। और दूसरा बताया गया, एक्ट में भी बताया गया, अगर जिनका नियोजन हो गया है, नियोजक के द्वारा जिन आवेदनकर्ता का नौकरी लग गया है, नियोजन उसका हो गया है, उनको कोई हटा नहीं सकता है, उनके लिए एक्ट है। वो अगर कोई उनको पहले हटाते हैं बिना किसी सूचना का तो हमारे विभाग में आकर के DLC सर के यहाँ आकर के आवेदन दें। और दूसरा, कहीं भी काम करते कहीं दुर्घटना हो जाए तो जो नियोजक है उससे कोई समझौता करना नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट आकर के आवेदन दे करके यहाँ तो लगभग 10 से 15 लाख रुपया उसको मिलता है। तीसरा यह है कि श्रम संसाधन विभाग जन्म से लेकर के मृत्यु तक का लाभ देता है। जैसे हमारे यहाँ मातृत्व लाभ पर जो अगर रजिस्ट्रेशन कोई करवाते हैं उनको 37,000 रुपया मिलता है। श्रमिक के बच्चे, गरीब के बच्चे कभी ये नहीं सोच सकते हमरा MBBS कर सकते हैं, IIT कर सकते हैं, उनके लिए मुफ्त में अगर उनके बच्चे कंप्लीट कर गए और श्रम संसाधन विभाग में रजिस्ट्रेशन है, उनकी जो है ट्यूशन फीस माफ़ होगा, IIT का फीस माफ़ होगा। जिनका श्रम संसाधन विभाग में रजिस्ट्रेशन है 60% के अभाव पर उसको 10,000 रुपया मिलेगा प्रोत्साहन राशि, 70% अभाव पर 15,000 रुपया मिलेगा, 80% अभाव पर 25,000 रुपया मिलेगा, और 65 वर्ष के बाद उनको जो है प्रत्येक माह पेंशन भी है। दूसरा, अगर रजिस्ट्रेशन है तो 65 वर्ष तक नॉर्मल मृत्यु पर उनको 2 लाख रुपया मिलेगा और दुर्घटना में 4 लाख रुपया मिलेगा। भागलपुर में फिर एक सड़क हादसा हो गया है जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि यह घटना जिस समय हुई उस समय किसी भी वाहन से टकराने की बात सामने नहीं आ रही। अनुमान लगाया जा रहा है कि मोटरसाइकिल तेज गति में थी और मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई। मामला भागलपुर के TOP थाना क्षेत्र प्राकृतिक नर्सरी के पास का है। वहीं सब की पहचान मुकेश मंडल के पुत्र राहुल कुमार उर्फ सागर के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक की पहचान सागर के मित्र पंकज चौधरी का पुत्र किशन के रूप में हुई है। दोनों ITI की परीक्षा देकर अनुपम ITI से वापस लौट रहा था। दोनों भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। गौरतलब है कि राहुल उर्फ सागर मायागंज अस्पताल में लिफ्टमैन के रूप में कार्यरत था। वहीं घटनास्थल पर TOP थाने की पुलिस पहुंचकर दोनों सब को अपने कब्जे में कर ली है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। कैसे याद रखा? अभी हम नहीं थे सर, लोग बताया था एक्सीडेंट हो गया था मोटरसाइकिल से। दोनों की मौत हो गई। अब तो सर बताएंगे कहाँ का है, पता चला नहीं है।
छानबीन किया जा रहा है। अभी हमने देखा घटना स्थल कहाँ है? दो लोग मरा मारा ने हम ला है सर हॉस्पिटल हो गया घटना स्थल कहाँ है? विजय श्री प्रेस संचालन एजेंसी द्वारा भागलपुर की सैंडिस कंपाउंड मैदान में श्रावणी पौधारोपण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई फलदार वृक्ष औषधीय पौधे लगाए गए, जिसमें नगर आयुक्त योगेश सागर ने इस कार्यक्रम में कई पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सैंडिस कंपाउंड में कुल 150 पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि हम लोगों का लक्ष्य है सैंडिस कंपाउंड मैदान में 1000 पौधे लगाने का। हम लोगों ने सैंडिस कंपाउंड के कई क्षेत्रों में पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। साथ उन्होंने बताया कि सैंडिस कंपाउंड के कई जगहों को चिन्हित कर विशेष ग्रीन जोन बनाया जा रहा है, जहां एक ही जगह पर कई तरह के पौधे उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर नगर आयुक्त योगेश सागर के अलावे विजय श्री प्रेस संचालक एजेंसी के कई कार्यकर्ता व शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम के बाद नगर आयुक्त सैंडिस कंपाउंड मैदान में बन रही स्मार्ट सिटी के कई कार्यों को भी देखा। वहीं कई दिनों से बंद पड़े स्विमिंग पूल को भी विधि विधान से पूजा पाठ कर आज से प्रारंभ किया गया। गौरतलब है कि सैंडिस कंपाउंड के स्विमिंग पूल में कुछ दिन पहले एक हादसा हो गया था, जिस कारण स्विमिंग पूल बंद पड़ा हुआ था। गौरतलब है कि अब स्विमिंग पूल में पानी भी 5 फीट से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबौर प्रखंड में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन DDC अनुराग कुमार के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। वहीं इस योजना के तहत शहर में प्लास्टिक को एक जगह जमा कर उसे सड़क बनाने के काम में या किसी अन्य काम में लाए जाने के लिए उपयोग किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में पहुंचे DDC अनुराग कुमार ने कहा, यह एक अच्छी पहल है, इससे पर्यावरण शुद्ध होंगे। जैसा कि जानते हैं आप लोग, हम लोगों की एम है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट कम से कम हर एक मनोमंडल में चालू हो जाए। तो हम लोगों ने नौगछिया में गोपालपुर में इसको चालू करवाया था, जो सदर अनुमंडल है उसमें सबौर जगह चिन्हित किया गया और कहलगांव में कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट चालू करेंगे। इसका ये मकसद है कि जितने भी हम लोग के वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है पूरे पंचायतों में रूरल एरियाज में, वहाँ पर जितने भी आपके वेस्ट कलेक्ट होते हैं उसमें जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको यहाँ पर ला करके हम लोग प्रोसेस करें और उसके बाद उसको प्रोसेस करके उसका रीयूज़ हो सके। तो जैसा कि सीमेंट फैक्ट्रीज हैं या जो रोड की कंपनीज हैं, तो इनसे प्लास्टिक श्रेडेड भी संचालित कर रही है, यहाँ पे भी करेगी। तो एक बिजनेस मॉडल में ऑपरेट होगा, जहाँ पे ये लोग इस प्लास्टिक को कलेक्ट करके उनको बेचेंगी और जो भी मुनाफा होगा ये लोग खुद इसको मेंटेनेंस करने में उसका यूज़ होगा। तो इस तरह से हम लोगों का वेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, उसके साथ में ही बहुत लोगों को लाइवलीहुड, जैसा कि यहाँ पे जीविका देती है, हमको ये भी मिलेगी। इसमें हम लोग के जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं उनका भी अहम योगदान होगा, क्योंकि यही लोग हैं जो पूरे पूरे पंचायतों से जो कचरा है वो कलेक्ट करके सेग्रीगेट करके वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट तक लाएं। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में श्रावणी मेला उद्घाटन के दूसरे दिन ओम ग्रुप मटिया ब्रज कलकत्ता के कांवरियों ने मां दुर्गा के विशाल कांवर को लेकर अजगैवीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर पैदल बाबानाथ धाम के लिए रवाना हुए। इस दौरान कांवरिया गोविंद कुमार ने बताया कि 3 वर्षों से बाबा भोलेनाथ के दरबार में अलग अलग तरह का कांवर लेकर जाते हैं। बाबा भोलेनाथ हम सबों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कोलकाता वेस्ट बंगाल गार्डन सी बिल्डर। कौन सा ग्रुप है ये कांवर का? ओम ग्रुप। ओम ग्रुप कितने सालों से आ रहे हैं? 2016। तो इस बार सब अलग अलग प्रतिमा लेके जाते हैं कि दुर्गा प्रतिमा ही लेके जा रहे हैं? अलग अलग प्रतिमा रहता है, अलग अलग का हिसाब से रहता है, अलग अलग जैसा बताता है उस तरीका से निकलता है। श्रावणी मेला क्षेत्र में टोटो चालक के नहीं जाने देने पर टोटो चालकों ने हड़ताल करते हुए हंगामा किया। टोटो चालकों ने बताया कि श्रावणी मेला क्षेत्र में टोटो चालकों को पुलिस के द्वारा टोटो लेकर अंदर जाने नहीं दिया जाता, जिससे बाहर से आने वाले कांवरियों को काफी परेशानियां हो रही है। वहीं टोटो चालक अपना वाहन लेकर नगर उपसभापति नीलम देवी के आवास पर पहुंचकर जमकर हंगामा किए। नगर उपसभापति नीलम देवी के पुत्र लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार ने टोटो चालकों से बातचीत कर पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए निदान की बात कही। श्रावणी मेला स्टार्ट है, श्रावणी मेला में सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को अगर होता है तो टोटो चालक को होता है। सारा रूट बंद कर दिया जाता है। पिछले वर्ष भी टोटो चालक, जितना भी टोटो चालक है पूरे सुल्तानगंज नगर में, सभी टोटो चालक जो है मेरे आवास के सामने आकर के जो है शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध किया था और बोला गया था, इन लोगों का वाजिब मांग था कि हम लोग को भी जगह दिया जाए, हम लोग यदि नहीं कमाएंगे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। इस उद्देश्य के साथ इस वर्ष भी
पिछले वर्ष भी विकल्प जो है उस समय के प्रशासन के द्वारा निकाल दिया गया था। इस वर्ष भी जो है इन लोगों का जो है यही मांग है कि हम लोगों को कमाने का रास्ता दिया जाए, और इससे क्या होता है कि यात्री को भी सुविधा मिलता है, यात्री भी सुगम तरीके से जो पहुंच जाता है जगह पे, और उससे इस एवज में जो इन लोगों की कमाई जो होती है और इनका घर परिवार चलता है। इस तरह का रूट जो है सारा रूट बंद हो जाने की वजह से, टोटो नहीं चलने की वजह से इन लोगों में काफ़ी परेशानी है। काफ़ी